फोर्थाई न्यूज, नजर हर खबर पर। सर, सारे हिंदुस्तान में आज ये चर्चा हो रहे हैं कि दुनिया के दो बड़ा लोकतंत्र, एक अमेरिका और एक हिंदुस्तान, दो लोकतंत्र की दो मुखिया, एक ट्रंप साहब और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब, इन्हीं लोगों का बीच ओसाका में क्या बात हुई, इस विषय को लेकर सारे हिंदुस्तान में चर्चा हो रहे हैं। सर, आज प्रधानमंत्री जी को रीति रिवाज के मुताबिक आज प्रधानमंत्री जी को ये सदन में उपस्थित रहना चाहिए था, इसीलिए हम आज एडजॉर्नमेंट मोशन लाया कि खासकर प्रधानमंत्री जी को हम उनका निगाह आकर्षण करें और उनसे ये बात सुने। सर, एक बात, सर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच 1971 में एक वार हुई थी। इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान को नस्तनाबूद करते हुए 93,000 पाकिस्तानी फौजों को हिरासत में ले लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा ये सरेंडर हुआ था। सर, इसके बाद हुआ था शिमला एग्रीमेंट, और ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच। ये शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक कश्मीर मुद्दा पे कोई तृतीय पक्ष की हस्तक्षेप नहीं होगा, ये करार हुआ था। इसके लिए कश्मीर मुद्दा बायलैटरल है, इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। सर, अभी ये हम देख रहे हैं कि अमेरिका की प्रेसिडेंट, बात सुनना, बात खत्म करने दो, अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमें दरखास्त किया था कि कश्मीर मुद्दे पर हम हस्तक्षेप करें। सर, ये सही हो सकता। सर, ये गलत, बात सुनिए, ये गलत भी हो सकता, ये सही भी हो सकता, लेकिन आज तक ना ट्रंप साहब ने इनको गलत कही, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इसको गलत कही, इसलिए हमारे अंदर शंका पैदा हो रहे हैं। ना ट्रंप साहब इसको गलत कही, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको गलत कही। वो अपने लोगों को यहाँ भेजकर बयान दिया करते, जो लोग, सर वी वांट टू लर्न द फैक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हम घोड़े की मुंह से ये बात सुनना चाहते हैं। ये वाजिब है कि आज जिस व्यक्ति को लेकर ये तर्क है, उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये वाजिब है कि हम उनसे मुंह से बयान सुनना चाहते हैं। वी वांट टू लर्न फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो इसमें क्या गलती है? लेकिन ये सत्ता पक्ष हमारी बात को नहीं सुनना चाहते हैं, और हम जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको जबरदस्त दबाना चाहते हैं, ये हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। प्रधानमंत्री जी आए और सदन में अपना बयान पेश करे, ये हमारा मांग है। अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने यहाँ पर आश्वस्त किया था कि हमको इस मुद्दे को उठाने की इजाजत दी जाए, मैं जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से जो भी जवाब देगा उसकी बात को हम सुनेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वादा खिलाफी की है। जो कुछ भी वादे किए थे उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र चलता है तो विश्वसनीयता के आधार पर चलता है। सबसे बड़ा आधार लोकतंत्र का होता है परस्पर विश्वास। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो बात उन्होंने आपके समक्ष कही है कि नहीं मैं सुनूंगा, आज इन्होंने हमारी बात यहां नहीं सुनी है और इस वॉकआउट इस समय किया है, मैं समझता हूं। दूसरी चीज, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत का प्रश्न है, यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे अथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता, इसलिए मैं सर्वाधिक अथेंटिक स्टेटमेंट से जयशंकर प्रसाद जी का मानता हूं, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं
यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं। यदि यह निश्चित रूप से शिमला समझौते की मंशा के सर्वथा विपरीत होगा, इसलिए किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं। यह बात तो अपनी जगह पर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कश्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, हम सब चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान पर के साथ समझौता नहीं कर सकते। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी, केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी। यह भी मैं दो शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 4Thai News, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।